नमस्कार दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन 19 जुलाई वेनसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, पूरी डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 की एनालिसिस, उसके बाद में हम देखेंगे बैंक निफ्टी की एनालिसिस। देखिए दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 19,749 पे। प्रीवियस क्लोजिंग से हमें यहाँ पे 37 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी में तो आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल जरूर देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था एंड इसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे मूव कर गया, तो इसी वजह से ये आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे मार्केट इसमें पॉजिटिव है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग निफ्टी को सबसे पहले देखेंगे तो अभी भी मार्केट में देखिए पॉजिटिविटी बनी हुई है और पॉजिटिव मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर देखिए मार्केट में ऑलरेडी अपसाइड का मोमेंटम है और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इसी कैंडल के नीचे में, तो हम लोग वेट करेंगे। मार्केट को काफी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, रेंज बनाने के बाद में अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो ही हम लोग अपसाइड के लिए बाई करेंगे, सीधे हम लोग यहाँ पे बाई है वो नहीं करेंगे। या फिर मार्केट अगर रेंज बनाने के बाद में डाउन साइड के लिए आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे छोटी क्वांटिटी है वो शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बड़े प्लेयर का जो व्यू है वो अपसाइड के लिए है और अगर मार्केट तुरंत यहाँ पे नीचे आता है तो फिर क्या होगा, वो पोजिशनें कट करेंगे तो मार्केट तेजी से ऊपर भी यहाँ पे जा सकता है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। तो फिर आप लोग वेट कीजिएगा, मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट होल्ड करेगा, पोजिशनें कट होंगी एंड उसके बाद में अगर डाउन साइड के लिए आएगा तो फिर आपको एक मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। या फिर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होता है, मार्केट वहाँ पे होल्ड करता है, आज के ट्रेडिंग सेशन के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको अपसाइड की तरफ में भी मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं, मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होता है पर गैप डाउन ओपन होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट 19,775 से लेके और 19,725 ये जो रेंज बनाई है दोस्तों, ऊपर की साइड में स्विंग हाई बनाया है, एक नीचे लो बनाया है, अगर इन बिटवीन मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद में अगर मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा इस लेवल को 19,775 वाला जो एक स्विंग हाई बना है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर आप लोग कॉल साइड के लिए जा सकते हैं और आपका जो टारगेट बनेगा दोस्तों, ये जो ऊपर की साइड में स्विंग हाई बना है 19,819 का, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट है वो होने वाला है। अगर मार्केट यहां पे थोड़ा सा होल्ड करता है, यहां से अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहां पे इस रेजिस्टेंस के आसपास में थोड़ा होल्ड करता है कुछ देर के लिए, उसके बाद में अगर मार्केट यहां पे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको 19,900 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, जहां पे आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी यहां से अच्छी खासी कॉल यहाँ पे सेल की गई है, तो मार्केट इस लेवल के आसपास में आने के बाद में अगर होल्ड करता है, उसके बाद में अगर डाउनसाइड के लिए ब्रेक करता है तो एक छोटी सी ट्रेड आपको डाउनसाइड के लिए भी देखने को मिल सकती है 19,900 के आसपास में। उससे पहले 19,800 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके आसपास अगर मार्केट आता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट फ्लो में ऊपर निकलता है तो फिर आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट इसके आसपास में हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा एंड उसके बाद में ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड या फिर डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट ओपन होते ही अगर मार्केट ऊपर की साइड निकल जाता है तो फिर यहां पे रेंज बनाने के बाद में मार्केट में हाई चांस है कि मार्केट ऊपर की साइड के लिए ब्रेक करेगा, या फिर मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद में अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग यहां पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 19,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने आज के दिन क्रिएट किया है। फिर से अगर मार्केट इस जोन के आसपास में आता है तो यहां पे मार्केट अगर होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, यहां पे टाइम स्पेंड करता है, यहां पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है तो ये पोजीशन अपनी कट करते हैं और मार्केट नीचे की साइड में अगर मूव करता है तो फिर हम लोग छोटी क्वांटिटी यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट बनेगा दोस्तों 19,635 का। यहां पे देखिए मार्केट ने प्रीवियस डे यहां पे ओपन हुआ था और नीचे आया एंड उसके बाद में होल्ड करने के बाद में ब्रेकआउट किया था, तो
635 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। प्रीवियस यहाँ से बाइंग हुई थी तो चांसेस है दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो इस लेवल से आपको फिर से बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर ब्रेक करेगा, ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट एक बड़ा मोमेंटम फिर से दे सकता है या फिर मार्केट अगर इन बिटवीन ओपन होता है तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद में मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है लाइव मार्केट में, कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा, कोई भी डेटा रहेगा, उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को, इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने दोस्तों क्लोज किया है आज के दिन 45,410 पे, प्रीवियस क्लोजिंग से हमें यहाँ पे 38 पॉइंट माइनस में आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों रेड कैंडल देखने को मिल रही है आज के दिन और मार्केट की ओपनिंग काफी ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और इसी वजह से यहाँ पे ऊपर की साइड में रेंज बनाई थी और मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में मूव कर गया तो हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है। और ओवरऑल दोस्तों हमें यहाँ पे एक बुलिश देखने को मिल रहा है सेंटीमेंट डेली टाइम फ्रेम में, तो हम लोग क्या करेंगे अगर मार्केट इन बिटवीन ओपन होता है इस कैंडल के बीच में तो देखिए आप लोग वेट कीजिएगा, मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक आपको रेंज बाउंड मूवमेंट है वो दिखा सकता है। मार्केट में जब भी मूवमेंट आएगा अगर मार्केट या तो फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, रेंज बनाने के बाद में अगर ब्रेक करेगा तो आपको एक मूवमेंट मिलेगा, या फिर मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है उस केस में हम लोग वेट करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा रेंज बनाता है, जितने सारे लोगों ने कॉल राइट कर रखी है ऊपर की साइड से वो अपनी पोजिशन को कट करके और अपनी पोजिशन ऊपर की साइड के लिए बनाते हैं तो फिर हमें एक मूवमेंट है वो अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे होल्ड करता है एंड उसके बाद में अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको एक अपसाइड की तरफ में मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी भी दोस्तों हम लोग बुलिश है, चलिए देखते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस। नीचे की साइड में आप लोग देख सकते हैं एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है एंड यहाँ पे सपोर्ट है, तो आपको एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसके उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है तो मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ पे मूव कर सकता है। या फिर मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में एक नीचे की साइड में वीक बनाता है, वीक बनाने के बाद में अगर मार्केट ऊपर की साइड के लिए ब्रेक करता है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे पुट साइड में तो मार्केट ट्रैप करने के बाद में अपसाइड के लिए एक मूवमेंट है वो तेजी से यहाँ पे दे सकता है और उसके बाद में आपका जो टारगेट बनेगा दोस्तों वो बनेगा 45,800 का लेवल, जहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली है ये हमारे लिए एक सेलिंग एरिया बन चुका है 45,800 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन होके इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेगा एंड उसके बाद में ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड के लिए आपको एक मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में देखिए दोस्तों 46,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक राउंड नंबर लेवल है जहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, और डाउन साइड के लिए हम लोग देखेंगे तो 45,000 का एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर कल के दिन है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे होल्ड करना होगा काफ़ी देर तक एंड उसके बाद में ब्रेक करना होगा। मार्केट को अगर नीचे आना है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है उसके बाद में डाउन साइड के लिए आता है तो 45,000 के ऊपर आपको बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप लोग कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल देखिएगा एंड उसके बाद में आप लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग के केस में हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन होते ही बुलिश रहता है तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट में अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी हम लोग बुलिश साइड के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है अभी, तो अगर मार्केट जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। उस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ओपन होती है हमें बुलिश देखने को मिलती है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग बड़ा टारगेट है वो प्लान कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मैनेज हो सके। तो ये है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन गैप अप मिलेगा तो उस केस में हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद में हम लोग ट्रेड करेंगे। सो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।